अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अली हैदर वर्ल्ड अगेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा इस बार संडे ऐसे नहीं जाने देना, इस बार भी हाथ कराने जाएंगे। जब अगर उसके पास आज मैंने ना स्कीम सोची है, अगर उसके पास टाइम ना हुआ, मतलब रश पड़ा हुआ, तो हम कहीं और निकल जाएंगे। फिर जब रश ख़त्म होगा तब वापस आ जाएंगे। यही होता है तेज़ मावा। छोड़े, तो अभी रेडी होते हैं और बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या चक्कर है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने कहा आज दरिया शाह चेक करके आए, अपना काफ़ी दिनों से उसकी शक्ल नहीं देखी, काफ़ी अरसे से, तो देखते हैं आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों ये आपका भाई रेडी हो गया है, हमारे साथ आया अब्दुल्ला भाई सलाम। बस ठीक है, अभी दरिया पर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, मैं भी खुद भी देखूँगा आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों किधर से हुई वापसी भाई की? दो महीने बाद भाई वापस आया है। किधर? जेलम बारबर इंस्टीट्यूट पे जी। हाँ, ये दरख्वास्त करते हैं भाई, पिछले 2 महीने मदरसे में गुजार के आए, माशाल्लाह भाई की दाढ़ी शाड़ी बाश टोपी ठीक है, तो अभी भाई से खत कराएंगे। हमारे बारबर गायब है, भाई से खत कराते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे खाते हैं, ठीक है जी सर। अगर आपने अच्छी खत की तो आपके गाल बांट देंगे, ठीक है? ऐसे ही है बिल्कुल। तो आप भाई से थैंक यू हम करते हैं भाई जी, शुक्रिया आपका। हो गया भाई, भाई ने निशाने दिल दिया तो फिर वो नहीं दिखाना, वो दिखाने वाला है कि नहीं। अच्छा तो दोस्तों हाथ तो माशाल्लाह से भाई का हो गया, पर मौसम भी देख ले आपको, मौसम कह रहा हूँ टाइम अंधेरा हो गया, तो दरिया का प्लान कैंसिल, लेट कराया हमें इसने, लेट हो रहा है। अब हम स्टोकर जा रहे हैं स्नोकर वाला तो कोई काम नहीं था। तो दोस्तों बस ठीक है, अंधेरा हो गया तो दरिया का कैंसिल, तो ये कह रहा है कि स्नोकर खेल लेते हैं, कितने दिनों से मैं हारा नहीं, तो आओ मेरे साथ खेलो। मैं चलो अलैकुम भाई, यार इधर अब्दुल्ला नाम का लड़का आया था मेरा स्नोकर खेलने, कौन है? अब्दुल्ला नाम का लड़का था, कहता स्नोकर खेल लिया, तो गेमें पड़ी उसके बाद से मिला ही नहीं मुझे, किधर गया? वो आज किधर गया? कल है। चलो चलो यार, हम ये होता तो क्या चलो। ये भाई दोबारा से आए हैं नई बाइक के साथ, 1-5 लारोज भाई आए। लारोज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जब भी मैं तुम्हारे पास ब्लॉग की शूट करने शुरू कर देते आप व्यूवर, ये फ़ैन है आपके। अच्छा, आपके लिए ये इधर आते हैं है। इधर पिछले ब्लॉग पता कितने व्यूज थे? कितने थे? छोड़ो बताने वाली बात है, भाई बताओ इसको, व्यूज़ आए थे ना? अच्छे जी। तो क्या रोज पे चले? चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ मॉडलिंग में चला जाऊँ, बड़ा फिट लगता है। ओए ये जी काशी भाई है, ये फतेह भाई है, फतेह को मिलते हैं। इन दोनों को आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो ढूंढे जा रहे इधर ही। करोश भाई मैं सोच रहा हूँ कि मॉडलिंग में चला लूँगा, आपका क्या जाना चाहिए? प्यारे बच्चे को जाना चाहिए। आज खास मेरा थोड़ा अच्छा होया तो मैं थोड़ा सा खास से बाहर हो गया। समझता मेरा भाई मुझे। ओहो तुम वीडियो बना रहे हो मॉडलिंग में? खिलाफ कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ प्यारे हो तो कपड़े भी वो मेकअप भी सब कुछ वो कर देते हैं। कुछ कुछ
कुछ तो करना पड़ता होगा मॉडलिंग, इसलिए आपको वो चांस नहीं मिलता, कुछ तो करना बचपन से प्यारा बच्चा पर तो ऑफर भी आई है, हम नहीं जाएंगे ना, ऑफर मुझे भी आई मैंने अच्छे बच्चे अली भाई हमारे प्रॉडक्ट में उन्होंने मेरी लैम्बोर्गिनी देखी हुई अभी मेरे घर में, नहीं ली है ना नई वाली ना देखी, वो ये भी वर्कर्स के पास ही होती है, ये हमारे चपरासी होते हैं ना जो अक्सर कैमरामैन होते हैं अक्सर ड्राइवर होते हैं, उड़ वाला ना ब्लैक उड़ वट्टो भी पहनी हुई है जिसने ये रुचिता आपकी आल्टो जब हम आ रहे थे तो वो मोटरसाइकिल देख लिया था मैंने, जो शुरू में था ना वन फाइव अपने लिए गाड़ी ढूंढ रहा है वो अली लारोश उस पे आया मुझे आज पता चल रहा है वो पठाना भी अपने के मुझे पता चला सॉरी आज मैंने भी पता चला क्या लगा भाई गाड़ी यार मैं गरीब आदमी हूं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी ने मेरे साथ जोड़ा बस अब हम अपने भाइयों को लाफिस कह देते हैं सही अब्दुल भाई लाफिस बस वो सलाह शादी तो ना आए सही लाफिस भाई लाफिस मिलते हैं जब टाइम मिला ठीक है आप लोग बिजी होते हो मैं फ्री होता हूँ मुझे रब्ता कर लेगा जब आप लोग फ्री हो मैं बहुत बिजी बन जाने पता है हाँ सही लाफिस ठीक लाफिस वो पराठो नहीं ले गया आप मेरी पराठो खड़ी हुई थी भूला है वापस चलते हैं चलो जाओ सही है मैं ले आऊंगा रात को वर्कर को फोन करूंगा ले आएगा कुछ भी अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए